हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, खुशकत हो गाइस, आप सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए भाई। फिलहाल गाइस अभी देखो जस्ट जीशान और इसके दोस्त आ रहे भाई भागते भागते। अभी ये लोग बता रहे थे ना भाई, ये लोग गए थे बैर तोड़ने के लिए, एक फल होता है भाई, और ये लोग दूसरे के पेड़ में गए थे तोड़ने के लिए। ये लोग को दौड़ा लिए थे भाई जिसका पेड़ था। क्या हुआ था, हम लोग 10-15 लोग थे ना, हां, बैर तोड़ने दूसरे के पेड़ में। हां वो अंकल आ गए, हम लोग को दौड़ा दिए, सब लोग भागे, इतना तेज भागे ना, कितने लोग गिर गिर गए थे वहां, चोट वोट सब लग गया, साइकिल भी टूट गया। किसका साइकिल टूटा, डंडा लेके एक बच्चा था उसका। तुम लोग मार नहीं खाए, हम लोग पकड़ना चाहिए था, दूसरे के पेड़ में गए थे तोड़ने, भाग नहीं पा रहे थे। ये देखो भाई क्या क्या कांड करके ये लोग आ रहे हैं। ये इतना तेज दौड़ा ना कि इसकी टट्टी भी निकल गई थी। अगर पकड़ा होता तो पक्का ये लोग मार खा के आते। पता है भाई साहब, जो हम लोग छोटे छोटे से थे ना, हम लोग भी जाते थे भाई दूसरे के पेड़ में तोड़ने वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ थे भाई, हम लोग से ज्यादा नहीं तोड़ा, हम लोग हरदम जाते। तो फिलहाल भाई अभी देखो घर पे आ गए, हम लोगों ने नहा वहा के फ्रेश हो लिया भाई, और अभी यहाँ पे देखो जीशान नहाने जा रहा है। ये तो भाई डायरेक्ट टंकी के पानी से नहा रहा है, ठंडा नहीं है पानी। छत पे कहा घूम रहा है ये, देखो अकेले आया था, ये रूम से भाग आया भाई। मैक्स और रुक, फैसल भाई ठंडे ठंडे पानी से नहा के ना फुल मजा आ गया, गर्मी हो रही ना इसीलिए लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छे से नहाया भी है तू, हाँ? तो कच्चा भी नहीं भीगा सही से। चीटिंग 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 करता है तू भाई। जी जान के कच्चे लेने आया था, ये देखो रंग बिरंगा कच्चा है भाई इसका। वाह क्या सीन है। ए ये तेरा कच्चा है कि क्या? अरे कच्ची है मेरा। तुम कड़क माल है ना। आइए भैया पधारिए। तो ये रहो भाई जस्ट अभी इरफान भी आ रहा भाई घर पे, ये पता नहीं कहाँ घूम घूम रहा था भाई आज। जीशान की एक बार चड्डी देख ले, वो देख चेंज कर लिया। अच्छा तो ना देख लिया, चलो उतार दो इसकी चड्डी। ए फटी, फट गया। अरे पता नहीं क्या भाई, ये देखो लूलू मॉल से हम लोग लेके आए थे भाई, ये वाला फ्रूट बियर, ये नॉन अल्कोहलिक है बियर हो भाई। पढ़ने आता है तो पढ़ ले यहाँ पे। पता है ये क्यों लेके आए हैं? इससे वो एनिमल वाला डांस करेंगे। जबल जबल पकड़ 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 पनीर। ची ची कचड़ा खाने जा रहा था भाई, पूरा केले खा लिया, सोचा इसके अंदर चिप्स है, पूरा केले खा लिया था। मैं नहीं, जीशान खाया, मैं खाया हूँ पटक के मारूंगा। कौन खाया था? खाया था, खाया था, खाया था। केले खाए तभी बाथरूम में बार बार जा रहा है अकेले। सावन का चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कैसे रखा रहा प्लेट ना बताओ। ये तो भाई समीर के पीसी के पास कोई बाथरूम करके चले गए, कहाँ है रे? अरे बैग में तेरे किया, मिट्टी नहीं टट्टी है वो। बता कौन गुड़िया बनाए तेरे, हमें सेटअप ऑफ लाइफ गुड़िया बनाए रखे भाई। तेरे बैग पे क्या लगा है रे? मिट्टी है रे, ये तो टट्टी है, मिट्टी है। और भाई साहब फिलहाल अभी देखो हम लोग एज ऑटो पे चेक कर रहे थे ना भाई, नई नई बाइकें आई हुई है, मतलब डर्ट बाइक वगैरह उनके पास आती रहती है नई नई। हम लोग जितनी भी डर्ट बाइक और सुपर बाइक लिए थे ना, सब वहीं से लिए थे भाई जीशान के लिए। तो भाई अभी देखो हम लोग एक्चुअली चेक कर रहे थे भाई एज ऑटो पे कि कौन कौन सी नई बाइक आई है। तो डर्ट बाइक आई है भाई छोटी छोटी, न्यू मॉडल आई, जो अपने पास छोटी वाली डर्ट बाइक थी ना वो ओल्ड मॉडल थी, और ये वाली न्यू मॉडल आई, इसमें एग्जॉस्ट वगैरह एकदम चेंज है। ये देखो सारी बाइकों के अपडेट्स इस पे आते रहे। ये वाली है 50 cc वाली बाइक है भाई, ये सब नहीं था अपने पुराने वाले डेड बाइक में। ये देखो इसका एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ चेंज है भाई पूरा एकदम। ये खतरनाक लग रही है ना, ग्राफिक्स देख भाई इसके, तगड़े लग रहे हैं। इसको मॉडिफाई करवा देंगे और तगड़ी हो जाएगी। और भाई आप लोग पूछते रहते हो ना ये डेड बाइक कितने में आती है, ये देखो इसका प्राइस डर रहा भाई, हम लोग के पास अपडेट आते रहता है। ये छोटी वाली डेड बाइक कितने में आ जाती है भाई? 25 तक तो आ जाती है। और भाई जो अपनी बड़ी वाली डेड बाइक है ना, वो तो और भी ज्यादा महंगी थी, समझ लो इसका डबल टिबल था, है ना। जो छोटी वाली डर्ट बाइक है ना मैं नहीं चला पाता हूँ, वो छोटी है डर्ट बाइक, बड़ी वाली सिर्फ चला पाता हूँ मैं। भाई हम लोग ना जीशान के लिए दो बाइक लेके आ चुके हैं भाई पहले भी, एक डर्ट बाइक थी, एक सुपर बाइक थी छोटी सी। जो सुपर बाइक है ना वो पीछे पड़ी हुई है अभी, सही है समझो। हाँ पीछे पड़ी है, कुछ नहीं सिर्फ ऑयल ऑयल।
चल फैसल भाई देख के आते सुपर भाई को क्या हाल है उसका। चल और ये देखो भाई अचानक से मौसम एकदम बिगड़ गया है, लग रहा है बारिश वगैरह होगी। भाई ये देखो बादल छा गए आगे, मुझे तो लग रहा है भाई बारिश होगी आज क्योंकि बहुत खतरनाक सा मौसम हो गया भाई। ये देखो भाई अपने सुपर भाई किधर पड़ी है, कब ये देखो भाई साहब क्या हालत हो रखी है सुपर भाई की, पड़ी हुई है भाई। इसको हम लोगों ने ना मॉडिफाई भी करवाया था, ये देखो इसका रैप वगैरह अब निकल रहा है ये देखो, और अंदर से बाइक ग्रीन कलर की भाई। चलाने का मन कर रहा है भाई, दिख भी खतरनाक रही है ना, इसको धुलवा देंगे अच्छे से ना, एकदम तगड़ी हो जाएगी भाई साहब। ये वाली जो सुपर बाइक थी ना इसका एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही खतरनाक था, जो कोई भी पहले से वीडियो देख रहे उन लोगों को पता होगा भाई, मतलब जब ये चलती थी ना तो बहुत भयानक इससे आवाज आती थी भाई। अभी देखो ये आगे ही नहीं जा रही है। अरे ए भाई देखो अभी बादल गरज रहे भाई, लग रहा है कि बारिश होगी खतरनाक वाली, मतलब भाई आज बारिश होना तो पक्का है भाई क्योंकि बहुत तेज आवाज आ रही है। ये देखो भाई सब देखते देखते बहुत तेज बारिश होने लगी, और पता है भाई सब पत्थर भी गिर रहे हैं भाई। ये देखो भाई दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकंड भाई, बहुत सालों बाद पत्थर गिर रहा है भाई यहाँ पे। ये देखो भाई ये छोटा सा देखो टुकड़ा, लिटरली भाई सब पत्थर गिर रहे हैं भाई, इसको ओले बोलते हैं ओले। देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है भाई सब जगह पे। ये देखो फैसल भाई, ओ भाई साहब ये देखो जीशान गया था बर्फ देखने के लिए भाई, ढेर सारा बाहर गिरा हुआ है। हाँ सड़क पर ढेर, मैं भी अचानक से देखा, और ये देखो आप धूप भी निकल गई, ढेर सारा है, सारे बच्चे नहीं उठा रहे नीचे से, और बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा बड़ा। तो भाई फिलहाल अभी देखो हम लोग जा रहे थे भाई अम्मी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि दो तीन दिनों से वो गई थी अपने घर पे, मैम नानी के घर पे गई हुई थी, तो अभी हम लोग जा रहे रिसीव करने के लिए आज फाइनली, तो आज घर पे आ रही है अम्मी, अभी चलते फटाक से मैं और इरफान चल रहे रिसीव करके आते हैं भाई। तू भी जाएगा क्या भाई साहब? देखो बारिश हो गई है ना, पूरा कचकच हो गया भाई, पूरा रोड और एकदम मिट्टी मिट्टी हो गया भाई। ये रहे भाई फाइनली अम्मी आ चुकी है, अभी चल रहे भाई घर पे रिसीव करके, चल आपस ला लेते। तो फिलहाल भाई साहब अभी देखो हम लोग जस्ट घर पे पहुंचे हैं भाई, अभी रात के बज चुके हैं भाई 7, और पता है भाई आज ना बारिश हुई है, और अभी देखो बारिश का फिर से मौसम बन रहा है, लग रहा है भाई रात में भी बारिश होगी खतरनाक वाली, अभी भी बादल वगैरह गरज रहे हैं भाई बहुत भयानक तरीके से, लग रहा है भाई रात में फिर से बर्फ वगैरह गिरेगी भाई। एंड भाई यहाँ पे देखो वल्लाह समीर पबजी खेल रहे हैं भाई, ओए परसों एग्जाम है पबजी खेल रहा है, पबजी से क्या होता है, पबजी से बच्चे बिगड़ जाते हैं, पबजी से बच्चे बिगड़ते हैं। गाइस आपको मैंने बताया नहीं भाई कि हमारा एग्जाम फाइनली स्टार्ट है भाई, तो परसों हमें एग्जाम देने जाना रहेगा, तो अभी एक पेपर हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो परसों हमारा एग्जाम है भाई, और ऑलरेडी बोर्ड का भी पेपर चल रहा है, और 10th और 12th वालों की ना एकदम फटी पड़ी है भाई, क्योंकि वो लोग का बोर्ड चल रहा है इस वजह से, लास्ट टाइम हम लोग का भी हुआ था भाई, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है जब बोर्ड वगैरह रहता है, और इस बार भी हमारा बोर्ड होगा क्योंकि 12th है ना लास्ट ईयर, तो इस बार भी हमारा बोर्ड होगा, देखते भाई क्या होगा क्या नहीं। भाई तो गाइस फिलहाल अभी कर देते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, होप करता हूं आप सभी लोग को पसंद आया ब्लॉग, अभी खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया भाई, तो कर देते हैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, चलो गाइस टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग भाई, बाय।